जय हिंद जय भारत। तो आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आए हैं। तो इस सीरीज का नाम है ऑनेस्ट रिव्यू सीरीज। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जब हमने एफआईआर की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो हमारी क्या स्ट्रेटजी थी और हमने कौन कौन से टीचर से कोचिंग लिया एफआईआर की कोचिंग एफआईआर को क्लियर करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है, ये चैनल किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता, ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है उन स्टूडेंट्स के लिए, सीए एस्पिरेंट्स के लिए, सीए फाइनल्स के लिए कि जो आगे एफआर की कोचिंग लेना चाहते हैं। क्योंकि कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने बल्कि सिलेबस बना दिया है, तो बल्कि सिलेबस होने की वजह से, क्योंकि सीए करते करते अगर आप सीए फाइनल में आ गए हो तो आपका मेन मोटिव है सीए क्लियर करना। बाहर की दुनिया में एक ऐसी मतलब दुनिया है और एक ओशन है। अब मान लीजिए एफआर इतना वाइड कॉन्सेप्ट है उनके, मतलब अलग तरह का काम होता है, तो आपको वहां नहीं जाना, आपको वो एक्सपीरियंस नहीं लेना, आपको सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पढ़ने हैं, वहीं से आपका पेपर आना है, वही एग्जाम्पल्स यूज होनी है, वही कॉन्सेप्ट यूज होने हैं जो आपके करिकुलम में है। लेकिन बल्कि सिलेबस होने की वजह से कुछ दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है, या कुछ मेन पॉइंट टाइम पर कवर नहीं हो पाते, या कुछ स्टडी मटेरियल ही कुछ टीचर्स इतना प्रोवाइड कर देते हैं कि इतने मतलब थ्रेटिकली आपको स्टडी करवा दी जाती है, कोचिंग दी जाती है कि आपको कल को दिक्कत आ जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर एक अकाउंटिंग का कोर्स भी चल रहा है। अगर उसका अच्छा खासा रिव्यू आने लग जाएगा, अच्छे व्यू आने लग जाएंगे, आपके अच्छे कमेंट्स आने लग जाएंगे, अगर आप सी एस्पिरेंट हो और आपके पास टाइम नहीं होगा लेकिन आपके आसपास कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो आप हमारे चैनल को रेफर कर सकते हैं, जिससे कि हमें एक अच्छी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए एक ऑनेस्ट रिव्यू की सीरीज तो लेकर आए हैं। इससे पहले हम ICAI की न्यू स्कीम की डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर डाल रखी है, एक प्लेलिस्ट आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट अलग से है और कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो हमारा अकाउंट है PB26Prince और मेरा नाम है सीए प्रहलाद, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी मैं डेली बेसिस पर या कुछ दिनों के बाद टिप्स डालता रहता हूं जो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाले हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो एफआर की बात करेंगे। तो एफआर में कुछ टीचर्स के मैंने नाम लिखे हैं, कितने घंटे हैं, क्या प्राइस है, और ये प्राइस मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम का मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा प्राइस है मैंने वो लिखा है, बाकी आपको कल को डिस्काउंट मिल जाए, कल को कोई आप गूगल ड्राइव ले लो, पेन ड्राइव ना लो, या कुछ अन्य किसी भी रीजन से ये प्राइस कम या बढ़ सकता है। लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू में पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ही हमने इंटर क्लियर किया तो हमें लगा कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। तो थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक थी उस समय, फिर कोरोना आ गया। तो उससे पहले ही एक मशहूर टीचर है, मैंने उनकी एडवांस अकाउंटिंग की मतलब वीडियोस यूट्यूब पर ही देखी है, तो सीए प्रवीण शर्मा जी, तो मैं तो मतलब उनको अपना अकाउंटिंग में तो गुरु ही मानता हूँ। क्योंकि फिर उनका एक रिव्यू आया कि हमने एक पेन ड्राइव लॉन्च कर दी है, तो उन्होंने पेन ड्राइव किसको बोला था, उन्होंने एक सेल्फ स्टडी के लिए बुक लॉन्च की थी। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने एडवांस अकाउंटिंग की जो मैंने सेल्फ स्टडी की थी, फिर इंटर के ग्रुप में जो अकाउंट्स होता है सेल्फ स्टडी की थी, तो मैं उनकी जो यूट्यूब की वीडियोस है वो देखता रहता था और वहीं से कवर करता था। तो जब उनका जो ये बुक लिखी गई, उन्होंने बुक लॉन्च की, तो उन्होंने कहा कि इतने टाइम की मेहनत है, जो है उनकी अलग से वीडियोस है आप देख सकते हो, तो हम उस पर नहीं जाने वाले। तो उसमें क्या था कि उन्होंने जब ये बनाया तो मुझे लगा यार सेल्फ स्टडी मैंने पहले भी की है तो अब भी कर लूंगा, तो फिर मैंने वो बुक परचेज कर ली। तो बुक उस समय मुझे लगता है 1500-1700 के पास पास होगी। इसके दो पार्ट है, एक वॉल्यूम वन है, एक वॉल्यूम टू है। आप देखिए कितनी अच्छी बुक है सेल्फ स्टडी के लिए, आप देख सकते हो। फिर मैंने ये देखा तो उन्होंने कहा था ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें हमने स्टैंडर्ड्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, और इसमें सीए प्रवीण शर्मा जी भी हैं और सीए कपिलेश्वर भल्ला जी भी हैं। तो फिर मुझे लगा कि लोग कोचिंग ले रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ, इससे पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैंने इससे पढ़ना स्टार्ट किया तो जैसे इंटर में वो इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड होता था, वैसे मैंने एक इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड यहाँ से निपटाया। फिर मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट किया,
जब मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा कि वो कमेंट्री उस तरीके से है नहीं थी जो क्लासेस में आपको करवाई जाती है। क्लासेस में अगर जो चीजें करवाई जाती है वो सारी चीजें बुक में समेट दी जाए तो आपकी क्लासेस कम बिकेंगी। आपकी डेफिनेटली है कि बच्चे बुक को रेफर करेंगे जो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आप जैसे। तो पहले मैंने इस बुक को लिया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो इसमें एक OCI का कंसेप्ट होता है, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम करके। तो वो नहीं समझ आ रहा था कि वो कहां से आया, क्योंकि जब इंडेक्स आए तो उसके साथ OCI का कंसेप्ट आया और कुछ अन्य कंसेप्ट आया जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का आया। फिर पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग होती थी और कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेवेन्यू अकाउंटिंग होती थी, तो सब कुछ चेंज हो गया। तो सब कुछ चेंज होने के बाद एक न्यू स्टैंडर्ड आया, तो स्टैंडर्ड का मैं आपको नाम बता देता हूँ, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। तो ये एक स्टैंडर्ड आ गया जो इंडेक्स आया। तो ऐसा करके मुझे फिर मैंने क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया इससे। तो जब क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया और जो मेरे पास स्टडी मटेरियल था, जो किट मैंने पहले स्टडी मटेरियल की ग्रुप वन की आई थी उसके साथ मैच किए, तो इंस्टीट्यूट के बुक में भी मिस्टेक थी और यहाँ पर भी सीधा कॉपी पेस्ट हुए थे वो क्वेश्चन, इस बुक में भी कॉपी पेस्ट हुए थे। फिर मैंने मुझे मतलब इतना दिमाग लगने लगा पढ़ने में, समझने में, सब कुछ करने में, कुछ उस समय, तो उस समय ये बातें हैं 2020 की, 2019 में मैंने एंटर की थी और 2020 के स्टार्टिंग में, जैसे मार्च जनवरी फरवरी में मैंने बुक परचेज की होगी, मार्च से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर कोरोना आ गया, तो दिक्कत क्या आती थी उस समय, यूट्यूब पर इतने लेक्चर भी नहीं होते थे कि ऊपर ऊपर से समझ आ जाए और डिटेल में हम बुक से समझ लें, और अन्य कई तरह की दिक्कत आई। इसमें भी क्वेश्चन वही लिख रखे हैं जो इंस्टीट्यूट के बुक में है, इंस्टीट्यूट की बुक जो मॉड्यूल है उसमें भी मिस्टेक है, इसमें भी मिस्टेक है, तो समझने में दिक्कत आती रही, कुछ आता रहा, लेकिन अभी भी बुक अनटच है। अभी मैं CA बना हूं, इस बुक को मैं अभी फुर्सत में पढ़ूंगा बैठकर, क्योंकि अब अच्छे से समझ आएगी। अभी FR का पेपर हमने निकाल लिया है तो पता लगेगा कि उस समय क्या था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट मेरी तरफ से तो जीरो था, क्योंकि कोचिंग की बात बुक से नहीं हो सकती, और अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स एक न्यू कॉन्सेप्ट आए थे इंडिया में, वो तो जो टीचर इस चीज को करवाते हैं उनको दो दो बार तीन तीन बार खुद से पढ़ना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है कि बच्चों को कैसे आसानी से करवा सके या कहां से बच्चों को इजी वे में समझाया जा सके, तो टीचर खुद से पढ़ते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी से, तो मुझे नहीं लगता अगर सेल्फ स्टडी से कुछ हो पाता तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो CPR होते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो बड़े फैकल्टी आते हैं, प्रीत शर्मा सर, तो मतलब स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि लेक्चर वगैरह चलते हैं, इससे अलावा जो इंडस्ट्री में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के जो लेक्चर चलते हैं, तो जो CA उस लेक्चर को सुनते हैं तो उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद से पढ़ सकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट्स हैं, आगे बहुत एक्सप्लोर होने वाले हैं, अभी अभी इंडिया में आए हैं, 3-4 साल 5 साल हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इनको आने में, कई जगह तो ये अप्लाई भी नहीं हुई है, अभी एप्लीकेशन इनका स्टार्ट हुआ है। तो सेल्फ स्टडी करना तो पॉसिबल है, लेकिन एक तरीके से सेल्फ स्टडी की जाए तो पॉसिबल है। तो फिर मुझे मतलब उस समय में स्कैनर जब मैं देखता था तो ज्यादा कोई स्कैनर भी नहीं थे मार्केट में, तो मैंने ये टैक्समैन का, ये भी टैक्समैन का टाइटल है और इस पर भी टैक्समैन का टाइटल है ये बुक, मैंने ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का स्कैनर परचेज किया। तो ये भी CA प्रवीण शर्मा जी और कपिलेश्वर बल्ला जी है। मैं ये नहीं कहता कि इस बुक में कुछ गलत लिखा है, ये कि इस बुक को थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वही पहला दूसरा एडिशन ही बिका होगा, ये जो एडिशन था जो थर्ड एडिशन था, तो पता नहीं अब तक इनकी कितनी कॉपीज बिकी होंगी, या आप गूगल पर सर्च कर सकते हो और आज की डेट में इसका क्या प्राइस है वो भी आप देख सकते हो, मैंने देखा नहीं है अभी, लेकिन इस बुक में जो समय का जो प्राइस था 1795 रुपीज लिखा हुआ है, और यह बुक मैंने 1500 और 1700 के बीच से परचेज की थी, इतने की थी, और साथ में ये एक स्कैनर लिया था जिसमें ओल्ड क्वेश्चन वगैरह थे, और ये 395 रुपीज इसका रेट है, तो ये भी इतने का ही मैंने ये प्रॉपर सेट परचेज किया था, 2000 का होगा लगभग, 2200 इतने का था। तो इसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं था, जीरो निकला। तो उसके बाद बारी आती है कोचिंग लेने, तो फिर कोरोना था, इधर से उधर सामान जाता नहीं था,
तो फिर इधर उधर जब बातें की तो एक टीचर आए सामने, वो भी है प्रवीण जिंदल सर। तो फिर मैंने उनकी क्लासेस ली, उनकी क्लासेस ली तो उन्होंने इतना हमको कुछ करवाया, 3 रजिस्टर के नोट्स बन गए और साथ में कुछ अपडेशन आती है री कोरोना के बाद, वो भी प्रिंट मैंने निकाल रखे हैं। ये 3 रजिस्टर है मैंने बनाए, फिर लंबे लंबे लेक्चर, 3-3 घंटे के लेक्चर थे। फिर हमने जैसे जैसे अपडेशन आती रही, हमने अपडेशन ये देखे निकालते रहे, अपडेशन उसके प्रिंट भी साथ साथ में करते रहे। और उन्होंने हमको ये वाले 1 2 3 4 5 ये वाले अपने मॉड्यूल दिए साथ में, और ये हमने कुछ रजिस्टर्स मेंटेन किए, वो है मैंने आपको दिखाए हैं। तो पहली बार जल्दी जल्दी में लेक्चर देख रहे थे, रिवीजन कर रहे थे, तो मेरी भी ये गलती थी। लेक्चर 2-3 देखने के बाद फिर रिवाइज करते थे, तो ये गलती थी, मिस्टेक थी। लेकिन ये जो लेक्चर थे ज्यादा थ्रेटिकल थे, प्रैक्टिकल नहीं थे। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जितने इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, उनके मॉड्यूल में आप सिर्फ उतने करवाइए और उसके बाद आप थ्रेटिकल ही आ जाइए। लेकिन यहाँ उल्ट चलता था, पहले प्रैक्टिकल ही यहाँ पर उल्ट कैसे चलता था, प्रैक्टिकल नहीं चलता था, पहले थ्रेटिकल चलता था। तो तब बोर हो जाते थे, फिर प्रैक्टिकल शुरू होता था। तो प्रैक्टिकल में 4-5 क्वेश्चन होते थे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 क्वेश्चन होते थे हर स्टैंडर्ड में। और मैंने जब एग्जाम दिए है तो देखा वही सेम क्वेश्चन एफआर के रिपीट हुए हैं उस समय में। अभी जब नवंबर 23 का अगर एफआर का पेपर देखोगे, ये मुश्किल आया है। लेकिन अगर आप इंडिया में किसी भी टीचर की अपने बनाए हुए क्वेश्चन उठा लो तो उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जहां तो इंस्टीट्यूट न्यू क्वेश्चन बनाएगा, जहां आपके जो पुराने क्वेश्चन है वही रिपीट होंगे, या 5-6 क्वेश्चन में से कुछ पार्ट निकाल कर एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर 120 नंबर का पेपर आता है तो 35 से 40 नंबर का पेपर तो पुराना ही होगा, जो पुराना पेपर होगा ना जो आपके बुक में है वही होगा, और जो बाकी का होगा 80 नंबर का जो पेपर होगा वो कुछ न्यू फ्रेम होगा। तो इस तरह से इनकी स्ट्रेटजी रहती है। और एफआर का पेपर ही ऐसा होता है जिसमें आप एग्जामिनेशन लेने की एक्सपेक्टेशन रखते हो। लेकिन सीएमए पास होने में मैं आपको एक टिप और बता देता हूँ, किसी पेपर पर प्रॉपर डिपेंड मत हो। जितने भी आपके पेपर है सभी पर अपना 100% दीजिए। पता नहीं होता कौन सा पेपर इजी आएगा और कौन सा मुश्किल आ जाएगा। तो अभी आ जाते हैं इनके लेक्चर्स पर। पहली बार हमने किया तो पास तो हो गए, 42-43 नंबर थे एफआर में। फिर आगे किया तो गमशन से 2 नंबर से रह गए। उसके बाद फिर 44 आए, फिर अमेंडमेंट में ये वो होता रहा तो मैं तो कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने आरटीआई लगाकर पेपर मंगवा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने अकाउंटिंग में तो मैं नहीं पीछे हट सकता, बाकी सब्जेक्ट्स में मान सकते हैं कि चलो मॉडरेट सीए फर्म में काम किया है कि एक्सपीरियंस उस लेवल का नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग में नहीं। जब मैंने आरटीआई से पेपर मंगवाए, चेक किए तो देखा कि जैसे कोचिंग में था मैंने वैसे ही सॉल्व किया है, लेकिन इंस्टीट्यूट का कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। इंस्टीट्यूट का अगर जो आंसर है आपके आंसर के साथ मिलेगा नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ये दिक्कत आ रही थी। फिर मैंने कई जब एग्जाम देने जाते जब पता करते तुमने कहाँ से कोचिंग ली, तुमने कहाँ से कोचिंग ली, तो ज्यादातर ये ऑनेस्ट रिव्यू है, ज्यादातर बच्चों ने यही कहा कि थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकल कम है। और थ्रेटिकल में भी क्या है कि कंसोलिडेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अपना जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और उसके बाद शेयर बेस्ड पेमेंट है, और कुछ अन्य कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्रेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। और सर बोलते थे कि जितना इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल कम है और थ्रेटिकल हमने करवा दिया, तो उस तरह से मतलब कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को प्रोया नहीं गया था। फिर इनके जब दोबारा कुछ लोगों ने दोबारा फिर से एक्सटेंशन ले ली इनके लेक्चर्स की, दोबारा जब देखा तो इन्होंने जो पहले जिस तरीके से करवाया था फिर बाद में अपना तरीका चेंज कर दिया। वो आंसर इनके मतलब मिलते ही नहीं थे इंस्टीट्यूट की बुक के साथ, तो नंबर आते नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि ऐसा था कि मैं इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल फॉलो करता था, लेकिन सीखने के लिए आपको एक गुरु अपनाना पड़ेगा, उसके लेक्चर लेने पड़ेंगे, तो दिक्कत आती थी। तो अभी इसके बाद पहले मैं आपको रिव्यू बता दूं, टीचर बता देंगे आपको कि आप
ये आपकी मर्जी है कि आपको कौन से टीचर से क्लासेस लेनी है, लेकिन ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है एफआर के लिए कि एफआर में ये दिक्कत मुझे आई। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। अभी तो चलो सिलेबस चेंज हो गया है और उसमें अब टेक्नोलॉजी भी आ गई है, एथिक्स भी आ गए हैं, ये भी एक एड ऑन हुआ है सिलेबस में। और हमारे चैनल पर ये ऑनेस्ट रिव्यू की वीडियो चलती रहेगी। चलने के बाद हम जो 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो 4 तरह की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें क्या क्या होता है वो बताएंगे। और हम इधर उधर से लोगों से बात कर रहे हैं और मुझे बताने में ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने कितने अपने जो फ्रेंड सर्कल में सीए हैं उनसे बात की कि हम आपके लिए एक एक्सपीरियंस कैप्सूल लेकर आए, एक एक्सपीरियंस सीरीज लेकर आए जिसमें हम बताएंगे मॉडरेट फर्म का एक्सपीरियंस कैसा है, बिग फोर का एक्सपीरियंस कैसा है पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद, और अपनी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस कैसा है। तो लोग शाई नेचर के ज्यादा है या मतलब डरते हैं या बोलने में हिचकिचाते हैं या फिर उनको लगता है कि इसका चैनल आगे ना बढ़ जाए, तो कुछ ना कुछ तो है इंटेंशन जिसकी वजह से ऐसा मतलब सोर्स मिल नहीं रहा कि मैं आपके साथ ये वीडियो या ऐसी वीडियो बनाकर एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको फर्दर कैसे स्टेप आगे, जो आगे का जो स्टेप है ना एफआर के लिए या अन्य सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आएगी कि आपको कैसे वो स्टेप्स आगे आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे स्टेप्स को आपको लेना है कि आप लाइफ में फर्स्ट टाइम में सीए क्लियर कर दो। और मैं आपका मेंटर आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप पीपी छबी प्रिंस इंस्टा पर फॉलो कीजिए और वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये हो गया कि प्रवीण जिंदल सर के लेक्चर लिए तो रिजल्ट मेरे लिए तो अच्छा नहीं आ रहा था, और बाकी का आया होगा तो आप कमेंट में बताना, अगर आपका भी अच्छा नहीं है तो भी कमेंट में बताना और कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहेगा। और अगर आपने प्रवीण शर्मा जिंदल जो प्रवीण शर्मा सर की सेल्फ स्टडी की बुक ली थी वो पढ़कर भी आप अगर पास हुए हो तो भी कमेंट में बताना, वो पढ़कर भी आपको रिजल्ट नहीं मिला तो भी कमेंट करके बताना, और आपने टेक्स्ट मैन का स्कैनर लिया और उसमें आपको कुछ अच्छा मिला तो भी बताना, नहीं मिला तो भी बताना। और भी आपके कमेंट सेक्शन को मैं देखता रहूंगा कि आपका एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस के साथ कितना मेलजोल खाता है। उसके बाद हम आए फिर बारी आई AIR इंस्टीट्यूशन जिसमें एक टीचर है जो यंग टीचर है, उनका नाम है CA अजय अग्रवाल। तो जब उनके साथ उनके मैंने फिर से लेक्चर लिए, जब उनके हमने लेक्चर लिए तो उन्होंने एक तो उनका आपको मालूम है कि उनका एक सिस्टम है फ्री रिसोर्स होते हैं, तो FR की मैंने उनके नोट्स हैं जो निकलवा लिए क्योंकि इतना टाइम नहीं था, थोड़ा हेल्थ इशू थे तो मैंने हाथ से नहीं बनाए, तो उनके साथ थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था मेरा, तो उन्होंने कहा था लेक्चर वापस कर देंगे, ये कर दो वो कर दो, तो मैंने उनको समझाया कि सर ऐसा नहीं है कि आपके लेक्चर हमने इसलिए ले हैं क्योंकि आपके ऊपर हमने अभी विश्वास किया है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है, साथ में हम जॉब भी करते हैं और हेल्थ इशू चल रहे हैं, तो अगर हाथ से बनाने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और अभी हाथ में ये नोट्स पकड़कर मुझे फील हो रहा है कि उस समय में कैसे टाइम को मैनेज करते थे और कैसे पढ़ते थे, और सुबह 4 बजे उठना, जॉब पर जाना, रात को ही पढ़ना, तो वो दिक्कत वाला काम होता था, वो टास्क प्रूफ वर्क था। तो ये मैंने लिया और फिर साथ में उनके दो बुक, ये क्वेश्चन बैंक बोलते हैं इसको, ये आपको पता होगा ये क्वेश्चन बैंक का। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा ही टाइम है 5-10 नंबर का आता है पेपर, थ्योरी पढ़ लो, बाकी प्रैक्टिकल है, बाकी प्रैक्टिकल है कंसेप्चुअल है। तो मैंने देखा यार पहले तो हम 5 थ्योरी पढ़ते रहते थे, तो फिर हमने यहाँ से तैयारी स्टार्ट की, जब यहाँ से तैयारी स्टार्ट की तो पता लगने लगा कि अच्छा ये गलती हमने पहले कर चुके हैं या नहीं करनी, अच्छा ये ऐसे इंस्टीट्यूट करवा रहा है ये करवा रहा है, तो तब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। तो एग्जम्पशन तो खैर नहीं आई, 2-3 नंबर से एग्जम्पशन आएगी तो ये दुख की बात ही मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये होता था कि यार कम से कम अकाउंट्स में तो एग्जम्पशन आ जाए, तो वो SFM में एग्जम्पशन आई थी जो मुझे थोड़ा सा टफ लगता था SFM, लेकिन अकाउंट में मैं एग्जम्पशन से 2 नंबर से रह गया था तो एग्जम्पशन के आसपास था। तो मुझे तो इनके लेक्चर अच्छे लगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में CA करना चाहते
एफआर की अच्छी कोचिंग लेना चाहते हो तो चुपचाप ज्यादा इधर उधर मत देखो, आपका जो मतलब साथ वाला है कहाँ से कोचिंग ले रहा है। मेरी तरफ से तो आपको यही एक एडवाइस रहेगी, सजेशन रहेंगे कि आप सीए जिनका नाम है अजय अग्रवाल जी, आप इनके लेक्चर ले लो। और इनका लेक्चर आज की डेट में दो तरह के आ रहे हैं, एक एग्जाम ओरिएंटेड है एक फास्ट ट्रैक है। तो 190 घंटे के 140 घंटे के हैं, 8,000 और 7,000 के आपको मिल जाएंगे। तो इनके लेक्चर ले लो आप, ज्यादा अच्छा है। और फिर साथ साथ में मैं एक और बात आपको बता दूं, अगर आप किसी भी टीचर से लेक्चर ले रहे हो, किसी भी टीचर की कोचिंग ले रहे हो, उनका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और आपके पास इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल होगा। तो लास्ट में आपको दिक्कत आएगी पढ़ेंगे कौन सा, तो आपको ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जिसमें क्वेश्चन प्लस नोट्स दो चीजें हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए होते हैं, नोट्स आपके रिवीजन के लिए होते हैं। और यही एक सिस्टम होता है कि टीचर आपको ऐसा नहीं है कि जो आप कर रहे हैं वो भी हार्ड कॉपी में दे दे, अपने क्वेश्चन भी दे दे, उसका आंसर भी अलग, नहीं ऐसा नहीं। क्वेश्चन अलग रखिए, नोट्स आप अगर आप अपने हाथ से बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप अपने हाथ से की हुई चीज भूलोगे नहीं, करते करते 50% याद हो जाएगा, रिवीजन करते करते आपको सारा याद हो जाएगा। और साथ में इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल था ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये इतना मोटी बुक्स है ना ये एफआर की, ये तो बंदे के बाइसेप्स बन जाए इतना इनका वजन है। तो ये उस समय की है, तो मेरा दिल नहीं किया कि अभी इनको निकाल दिया जाए घर से, तो इसको मैं साफ करके पेपर वगैरह लगा कर इसको रखेंगे, क्योंकि मेहनत की हुई है इन बुक्स पर, हमने हार्ड वर्क किया हुआ है, रातों की नींद लगी हुई है। तो दिल नहीं करता ऐसी किताबों को घर से बाहर निकालने के लिए, जब आपको कहते कि ये रख दी है, ये तो हमारे लिए एक सपना था जो आज पूरा हो गया है। ऐसी बुक्स को तो हम अपने, जब तक हमारे सांस चल रहे हैं तो हम अपने साथ रखेंगे, बाद की बात में देखा जाएगा कि क्या होगा। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू कि पहले सेल्फ स्टडी की बुक से स्टार्ट किया, जीरो रिजल्ट, फिर सीए प्रवीण जिंदल सर के लेक्चर लिए, जीरो रिजल्ट, अजय अग्रवाल जी के लिए देखे कम, थोड़े से घंटे भी उनके कम होते हैं, उतने होते हैं जो इंस्टीट्यूट जो पास होने के लिए जरूरी हो, तो मैं पास हो गया। तो पहला एफआर की इस तरीके से प्रिपरेशन। और अभी मैं फिर से डिस्क्लेमर है ये, अगर आप जो मैंने सेल्फ स्टडी बुक बताई है ना सीए प्रवीण शर्मा और कपिलेश्वर भल्ला जी की, अगर इससे आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है कमेंट करना, अगर आपकी सीए हुई है या होने वाली है आसपास से, अगर आप कुछ भी हो तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना, जो भी बातें मैंने की, टैक्समैन का स्कैनर है कमेंट जरूर करना, अगर आज की डेट में सेल होता होगा, मुझे नहीं लगता अभी क्या हो रहा है इनका, हाँ मैंने सर्च की है। उसके आप सीए प्रवीण जिंदल सर के अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो कैसे लग रहे हैं, या आपने भी लेक्चर लिए तो उसके बाद आपको कहीं और से लेक्चर लेने पड़े तो आप कमेंट जरूर करना, और अजय अग्रवाल के अगर आपने लेक्चर लिए हैं आपका रिजल्ट क्या है तो आप कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट अगर आप करोगे तो आपकी एक इंफॉर्मेशन किसी को गाइडेंस दे सकती है, आपका एक कमेंट किसी के 6 महीने बचा सकता है। तो इस वीडियो में ये थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो रहेगी क्योंकि एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है इसमें आपके साथ। तो एक तो मैंने ये बताया कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, कैसे तैयारी की, क्या बुक्स वगैरह है, उसके बारे में मैंने आपके साथ बात की। और आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि हमने 100% देना, 100% का मतलब कि बीच में कुछ और बात आनी ही नहीं चाहिए आपके माइंड में, सीए करने के अलावा एफआर की तैयारी करने के अलावा, अगर आप एफआर कर रहे हो, क्योंकि एफआर हो एएफएम हो या ऑडिट हो जो पहले ग्रुप में आते हैं आज के समय में, तो इसमें दिक्कत यही रहती है कि आप एक पेपर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो कि इसमें से 60 ले लेंगे बाकी में से इतना ले, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको सभी एग्जाम सभी पेपर जितने भी है फर्स्ट ग्रुप के 100% देना है, कि कहीं ऊपर नीचे किसी पेपर में हो जाए, कभी कभी मुश्किल पेपर टफ हो जाता है, टफ वाला मुश्किल हो जाता है, तो ये भी एक बात रहती है इंस्टीट्यूट के एग्जाम में, इंस्टीट्यूट के जितने पेपर होते हैं। मई 24 आने वाला है, ये वीडियो मई 24 वालों के लिए भी रहने वाली है, उनसे आगे वालों के लिए भी रहने वाली है। तो अभी हम आगे आपको माइंड सेट आपका बता दिया हमने, अपना ऑनेस्ट व्यू बता दिया, और एबीसी एनालिसिस ये आपके जिस टीचर से आप कोचिंग ले रहे हैं वो बताएंगे, और हम भी अपने चैनल पे फ्री वीडियोस बनाएंगे, एक सब्जेक्ट पकड़ेंगे
क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रहता है मेरी टैक्सेशन का है और अकाउंटिंग में है। थ्रेटिकल सब्जेक्ट्स में होता नहीं है, क्योंकि वो थ्रेटिकल सब्जेक्ट, पहले तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआई का जो मटेरियल है इसमें कुछ भी थ्रेटिकल नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है, बस लिखते थ्रेटिकल है, होता प्रैक्टिकल है, ये ध्यान रखें आप। इंस्टीट्यूट का जो सीए का आपका जितना भी करिकुलम है, इतना मतलब आपका जो सिलेबस है वाइड सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक बहुत खूबसूरत सिलेबस है कि कल को सीए बनने के बाद आप अपने आप ऊपर डिपेंड रहोगे, आपको किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से कोचिंग प्लस अपने पेपर देते हो, रिट्रेनिंग करते हो, और दूसरी बात कि आपको सीए तो करनी है, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ऐसे तरह से स्टडी करनी है कल को किसी से कुछ सीखना ना पड़े, आपको पता हो कि क्या होगा किस सिचुएशन में। तो अभी हम एबीसी एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अगर टॉपिक होंगे तो वो बाद में आएगी वीडियोस। लेकिन हमारे चैनल में भी आपको एफआर, अकाउंटिंग और टैक्सेशन इसके लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि तो पहले हमने अकाउंटिंग की जो एक हमने चला रखी है कोर्स, उसके लेक्चर अभी रोक के रखे हुए हैं, तो वो भी डालेंगे अभी जैसे जैसे उसके रिव्यू अच्छे आने लग जाएंगे। और हमारे आईसीए की जो न्यू स्कीम है उसके रिव्यू तो आए हैं अच्छे, तो वो भी आप देख सकते हो, न्यू स्कीम के बारे में आपने हमने डाल रखा है, क्योंकि आप तो देखोगे नहीं, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि हमने सीए करनी है तो आप हमारा वो देख लो, आईसीए की न्यू स्कीम है जो, वो देख लो, उस प्लेलिस्ट में आपको प्रॉपर डिटेल समझ आ जाएगी ए से लेकर जेड तक। और ये जो सीरीज रहने वाली है इसमें हम, मैंने 8 एग्जाम दिए हैं, 8 पेपर दिए हैं, अभी 6 है, तो 8 का 8 का रिव्यू रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे एक प्रॉपर तरीके से, क्लासिकल वीडियोस रहेंगी ये। तो अभी एफआर की ये हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, एबीसी एनालिसिस आपके आपके टीचर बताएंगे, जैसे भी होगा वो हम नहीं बताएंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं टीचर्स की बात करें तो मैंने कुछ टीचर्स निकाले हैं, ये वो टीचर है जो फेमस है और इनके रिजल्ट अच्छे भी आते हैं, अगर इनकी साइट्स पर जाओ तो AIR भी दिखेंगे, रिडम्पशन वाले भी दिखेंगे, सब दिखेंगे आपको। लेकिन एक दिक्कत है, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सभी टीचर से एक बात कहना चाहता हूँ, बल्कि सिलेबस मत बनाइए, अपना जो लेक्चर है उतने ही बनाइए जो इंस्टीट्यूट के एग्जाम में आने की संभावना है, जो मेनली आते हैं, जो बाहर का एक्सपीरियंस है वो बच्चों के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि तो बाहर का एक्सपीरियंस के लिए आप अलग से अपना एक कोर्स तैयार कर लो पोस्ट क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन सीए करने के लिए आप बच्चों को सिर्फ उतना करवाइए जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है, क्योंकि तो सिलेबस तो पहले ही इतना है, उसमें आप इतना वो डाल दोगे या अपने हाथ से क्वेश्चन बना के दे दोगे तो दिक्कत आएगी। क्योंकि तो मुझे मालूम है कि जब प्रवीण जिंदल सर के लेक्चर लिए थे तब उन्होंने INTAS में AS के क्वेश्चन करवाए थे, तो AS के क्वेश्चन में क्या होता था, एक कॉन्सेप्ट था डिविडेंड का, कि जब डिविडेंड को बांट, डिविडेंड की पहले प्रपोज डिविडेंड की एंट्री होती थी, फिर प्रपोज डिविडेंड की एंट्री INTAS में नहीं होती थी, तो उसमें जब डिविडेंड निकल जाता था तब एक कॉन्सेप्ट अलग से होता था, तो उन्होंने जो क्वेश्चन होते हैं ना AS वाले INTAS के साथ मिक्स कर दिए, तो दिक्कत ही रहती थी, कंफ्यूजन ही रहती थी मुझको कि इंडियास में तो ये ठीक है लेकिन इंडियास में तो ऐसा होता नहीं, और करवा दिया आपने AS की तरह, तो ऐसी दिक्कत आती थी। तो आप इंडियास की चीजें इंडियास की तरह ही करवाइए और कॉन्सेप्ट्स के तरीके से बनाइए और सीए के ही एग्जांपल्स क्वेश्चन जितना है वही करवाइए, और साथ में आप बल्कि नोट्स की जगह एक हेल्थी और ऐसे नोट्स बनवाइए जो बल्कि भी ना हो और जिसमें कॉन्सेप्ट्स ही सारे क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी सारे कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम टीचर्स की बात कर लें, एक सीए प्रवीण शर्मा जी हैं, इनके 3.5 घंटे के लेक्चर, 350 घंटे के, 350 घंटे मतलब 350 घंटे का मतलब क्या हो गया, अगर आप दिन में 3 घंटे का लेक्चर देखते हो, अगर आप एक दिन में 3 घंटे का लेक्चर देखते हो, 116 दिन, 116-117 दिन आपकी ये क्लासेस चलेंगी, और 117 दिन का मतलब देख लीजिए, 30 प्लस 30 प्लस 30, ये मतलब ये अपना आप मान के चलिए 3.5 से 3.5 मतलब 3 मंथ हो गए, 3.5 मंथ से भी ऊपर का टाइम हो जाता है,
इतनी आपकी ये क्लासेस चलने वाली है। तो ये लगभग 20,000 की है और डिस्काउंट भी मिलाकर आपको आ सकते हैं, और आपकी अगर इच्छा आप ये लेना चाहे ले ले सकते हैं, आपको ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद सीए प्रवीण जिंदल जी हैं, इनके 400 के हैं, ये 17,200 के हैं, पहले 19,500 के थे और 20,000 तक आते हैं, 19,500 के डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो ये 400 घंटे के आपको बता दें, अगर एक दिन में 3 घंटे के देखते हो तो 133 मतलब 134 दिन हो गए। अगर हम देख लें कि ये कितने बनते हैं, ये 4.5 महीने के लगभग जाएगा, अगर बीच में आप हेल्थ इशू वगैरह ना हो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करें और कंसिस्टेंटली आप 3 घंटे का लेक्चर देखें। फिर उसके बाद सीएस आर्थिक जैन है, ये भी अप्रोक्सीमेट 270 घंटे के लेक्चर बना रहे हैं और ये 15,400 के थे। इनका भी रिजल्ट अच्छा है क्योंकि एक बच्चे ने लिए थे तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर थे, जब मैंने उनसे बात की थी तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर थे, लेकिन प्रवीण जिंदल का सर का तो मैंने बता दिया। शर्मा सर का भी मैंने मतलब बच्चों से जैसे जिन्होंने कोचिंग ली है, इनके पहले जो सैटेलाइट वाले चलते थे कोचिंग इंस्टीट्यूशन 2019-20 के लगभग कोरोना से पहले पहले जिन्होंने कोचिंग ली थी, तो उन्होंने मुझको बताया था कि यार थोड़ा सा है दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत तो आप समझ सकते हो थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो पता नहीं उनको उन्होंने किस तरीके से अपनी अपना ओपिनियन दिया था कि थोड़ी सी दिक्कत है या नहीं है, लेकिन सार्थक जैन सर का उन्होंने कहा था ठीक है। लेकिन मैं आगे सी एस जय चावला जी हैं जिनके मैंने कभी लेक्चर नहीं लिए, तो इनके काफ़ी रंगीनफुल मटेरियल होता है, तो मैंने फास्ट ट्रैक की अगर कोशिश की थी लेने की, लेकिन फिर मैंने अजय सर के लिए थे। तो सी एस जय चावला के 260 घंटे के हैं, 170 घंटे के हैं, दो तरह के लेक्चर आते हैं, एक इंटर ये रेगुलर है, एक एग्जाम ओरिएंटेड है, 11,000 और 9,000 के हैं इनके। तो प्राइस में ऊपर था नीचे हो जाएगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो वीडियो थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो प्राइस में आपको ऊपर नीचे दिखेगा। एक सीए भावे चौकसी जी हैं, इनके 3.5 घंटे के हैं, ये 21,000 के लगभग आपको मिल रहे हैं, 20,990 के, तो 350 घंटे के हैं। तो इनके किसी ने GFRS के लिए थे तो उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव रिजल्ट है GFRS का, तो इसलिए मुझे याद आ गया कि ये GFR करवाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। और उसके बाद सीए अजय अग्रवाल जी हैं, ये मेरे बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, AIR1 जो इंस्टीट्यूशन है उनके सारे टीचर और सारे लेक्चर बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं, आंखें मीच कर चुपचाप ले लो, बस इधर उधर मत देखो चुपचाप ले लो, लेकिन फिर भी हम ऑनेस्ट रिव्यू में 5-6 टीचर आपको बताएंगे, वो आपकी इच्छा कि आपका कौन सा लोगे, लेकिन मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि अजय अग्रवाल सर के आप लेक्चर ले लो, 190 घंटे के मिल जाएंगे 8,000 के, 140 घंटे के 140 घंटे के मिल जाएंगे 7,000 के, तो ये अच्छे लेक्चर हैं इनके, एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। हाँ इनमें भी थोड़ा सा कंसेप्ट की आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे शर्मा सर के पास जो एक्सपीरियंस है वो अजय सर के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन टैलेंट है एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे शर्मा सर है इनके पास भी टैलेंट है नो डाउट, ये भी AIR रहे हैं, लेकिन ये भी AIR है, लेकिन इनके पास टैलेंट है एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों है। तो ये थोड़ा डिटेल में होते हैं कि कल को आपको काम करना हो तो दिक्कत नहीं आएगी। इनमें ऐसा होता है कि अगर आप इनके लेक्चर लोगे, ये वाले लेक्चर लेने वाले हो, तो क्या होगा कि आपका जो होगा आपका एग्जाम निकल जाएंगे, और कल को FR की अगर आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, तो इनके अलग से मेहनत करने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो थ्रेटिकल पहले इतना मतलब जिंदल सर ने भी करवाया था तो मैंने रखा हुआ है, तो थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड में मतलब थोड़ा सा है दिक्कत है, कुछ लेक्चर आपको ऐसे टीचर मिलेंगे कि सीए बनने के बाद आपके लिए काम इजी हो जाएगा, कुछ ऐसे मिलेंगे कि सीए करते करते आपके लिए इजी हो जाएगा, सीए करनी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी। तो अगर सीए करनी है, सिर्फ सीए करनी है आपको, सीए करने के बाद आप क्या करोगे वो बात की बातें हैं, पहले सीए बन जाओ, सीए बनने के लिए आपको सीए अजय अग्रवाल जी है ये ले लो चुपचाप, एक तो कम समय में प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं और वही करवाते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है इम्पोर्टेंट है, और जो ये करवाते हैं वही आता है, जो कॉन्सेप्ट ये करवाते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, ये ठीक है उन्हीं से आता है सभी कुछ, और मेरा तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा रहा क्योंकि अटेम्प्ट भी लगे, तो इसलिए इतना कुछ ताम झाम करना पड़ा। तो ये है हमारी FR का ऑनेस्ट रिव्यू आपके लिए, सीए फाइनल वालों के लिए, सीए इंटर और फाउंडेशन की बारी भी आएगी, लेकिन अब पहले हम सीए फाइनल से स्टार्ट की है, तो हम
आठ सब्जेक्ट हैं उसके ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है कि एमसीक्यू हो जाएगा तो आप इजीली 50 नंबर ले लोगे, तो उसमें भी आपको कोचिंग तो लेनी पड़ेगी ना। जो कॉस्टिंग है, स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग मैनेजमेंट है या फिर कॉरपोरेट एंड अलॉयड लॉ है, तो उसमें भी आपको समझना तो पड़ेगा ना पेपर क्लियर करने के लिए, तो उसके बारे में भी लेकर आएंगे। तो बाकी भी चलता रहेगा, बाकी आपकी अपनी सुजेशन से आप हमें कमेंट बॉक्स पे बताना, कमेंट जरूर करना इस वीडियो पर। ये हमारा ऑनेस्ट व्यू है, तो टीचर्स हमने बता दिए और ये बुक्स वगैरह बता दी, तो आगे आपकी मर्जी कि आप हमें लाइक करते हो नहीं करते हो, आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं नहीं लगते हैं। जैसे जैसे हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, ग्रो करेगा, वैसे वैसे फ्री में कंटेंट, तो जितना मैंने कमिटमेंट किया वो तो आएगा आएगा। उसके बाद आप टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग वगैरह लेक्चर फ्री में रिकॉर्ड करके प्रॉपर खर्चा करके अपनी जेब से आपको वीडियो डालने वाले हैं, जिससे कि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल भी हम जो रेफर करेंगे वो इंस्टीट्यूट का करेंगे, आपको अलग से किसी तरह की बुक लेने की जरूरत नहीं होगी। जो भी नोट्स बने होंगे हाथ से हमारे, वो गूगल ड्राइव में शेयर कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और वीडियोस ये लंबी ही रहेंगी क्योंकि तो इसमें हमने बातें बहुत सारी करनी है, एक्सपीरियंस इतना है कि बातें हमने आपके साथ बहुत सारी करनी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट आपको करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जाते जाते बस यही कहेंगे, हमारे चैनल को आप आगे जितना शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, जिससे कि हम आपके साथ बने रहें, जुड़े रहें। तो आज में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।